Hello students, I am Dr. Roma from BDS Institute of English. Once again we are going to discuss the reading. आज फिर हम रीडिंग डिस्कस करते हैं. मैं आपको ज्यादा नहीं सिर्फ तीन रूल्स बताऊंगी. आपने बहुत वीडियोस देखी हैं जिसमें 10 स्ट्रैटेजीज, 20 स्ट्रैटेजीज, 30 स्ट्रैटेजीज. अब इतनी सारे रूल्स में, इतने सारे टिप्स में मज़ा तो आता है सुन के, पढ़ के भी मज़ा आता है. आप मेरे को ऑनेस्टली बताओ उसमें से अप्लाई कितने होते हैं. पूरी की पूरी गेम है कि हमें अप्लाई कितने करने आते हैं. जितने हमें अप्लाई करने आते हैं उसी में सक्सेस है. नाउ आई बी टेलिंग यू व्हाट आर द थ्री किलर रूल्स. और अब अपनी स्क्रीन शेयर करना मेरे साथ. एक एक टिप आपको स्क्रीन पे नजर आएगा एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन. नाउ जस्ट टेल मी दैट रीडिंग, डू यू ऑलवेज डू इट विद द टेक्निक और द टिप्स, और यू जस्ट पिक अप द रीडिंग रैंडमली और उसको पढ़ पढ़ के समझ के करते हो. अगर आप रीडिंग को पढ़ के समझ के एक एक वर्ड को एनालाइज करके कर रहे हो, देन आई एम सॉरी टू से रीडिंग नहीं होगी. ना तो रीडिंग खत्म होगी, ना रीडिंग में स्कोर आएगा, ना ही रीडिंग में इंटरेस्ट आएगा. और जब ये कुछ भी नहीं आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंड्स भी नहीं आएंगे. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल इज दीज आर आई हैव नेम्ड देम किलर रूल्स. जस्ट लुक एट द स्क्रीन. स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ. देखो, फॉर एवरी क्वेश्चन टाइप यू मस्ट बी एबल टू लोकेट द कीवर्ड्स. नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग. व्हाट इज अ कीवर्ड? बड़ा मजा आता है सुन के. लोकेट द कीवर्ड. लोकेट का मतलब होता है ढूंढना. अब कीवर्ड हमें ढूंढना है क्वेश्चन का, पैसेज का नहीं. क्वेश्चन पढ़ा, इतना लंबा क्वेश्चन है, कीवर्ड एक होगा. और वो कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड विल बी एन इम्पॉर्टेंट वर्ड अराउंड विच द आंसर इज रिवॉल्विंग. वो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसके आस पास आंसर घूम रहा है. लेकिन इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन होती है. बच्चे बड़ी बार कहते हैं कि मैम कीवर्ड भी मिल गया, हमारे को आंसर नज़र भी आता है, लेकिन आंसर फिर एग्जैक्टली वो नहीं निकलता. लिंक और लोकेशन में गलती हो जाती है. वो इसलिए गलती होती है, लिंक एंड लोकेट में इसलिए गलती होती है. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि कीवर्ड हमने ठीक चूज नहीं किया. जब हमने कीवर्ड ही ठीक नहीं चूज किया तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आंसर उसका ठीक से लोकेट हो जाएगा? जब कीवर्ड इधर से इधर हो गया तो आंसर भी इधर से इधर हो गया. उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि आपकी कोई कंफ्यूजन की कि मेरा आंसर क्यों नहीं मिल रहा. आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड. नाउ कीवर्ड इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनी एक्शन. जब कीवर्ड एक एक्शन में और कीवर्ड एक सपोज एडजेक्टिव में है, देन इट इज गोइंग टू बी ईजी फॉर यू टू लिंक एंड लोकेट. अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं सपोज ही सेइंग दैट द चिल्ड्रन इन न्यूजीलैंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट. They are very intelligent. Intelligent circle कर लो. Intelligent का मतलब सबको पता है. अब हम ये intelligent word ढूंढना शुरू हो गए passage में क्योंकि हमारा keyword correct है. अब एक problem और आ गई कि passage में वो intelligent word directly दिया ही नहीं हुआ. It is not mentioned directly. तो उसमें बच्चा परेशान हो जाता है कि that the keyword is not being directly mentioned. आप उसमें क्या करो, द चिल्ड्रेन इन न्यूजीलैंड को ध्यान से पढ़ लो. जहां पे वो लाइन नजर आती है उसकी थ्री लाइन्स नीचे देखो, थ्री लाइन्स ऊपर देखो. 99.9% इंटेलिजेंट वर्ड होगा. अगर इंटेलिजेंट वर्ड नहीं होगा तो 100% उसका मीनिंग दिया होगा. उसको एक सिनोनिम की फॉर्म में एक वर्ड को यूज किया होगा. सपोज वो कहते हैं द चिल्ड्रेन इन न्यूजीलैंड दे आर हैविंग वेरी गुड स्कोर. Their promotions are very fast and their ability to grasp is very good. जब इतना कुछ दे दिया उसने तो इसका क्या मतलब हुआ? What do you mean by this? इसका मतलब हुआ children in New Zealand are intelligent. फिर करो उसको link और locate. देखो कभी गलती होगी नहीं. एक action और एक adjective miss मत करो keyword ढूंढने के लिए. Then you will be in a position to find it very comfortably. I hope it's clear.
Now the second part, second important rule, सिर्फ three rules बताने हैं, मैंने ज़्यादा नहीं बताने, is you need to find the keyword language quickly in the passage using your strategy related to the question type and scanning. सबसे पहले हमने keyword ढूंढा, type of question में keyword ढूंढा, keyword ढूंढने के बाद हमने देखा कि इस पर हम कौन सी strategy लगाएं, इसको हम skim and scan कैसे करें. स्किम का मतलब क्या होता है? आप कहते हो ना स्किम्ड मिल्क पीना है, स्किम्ड होता है डोंट मिल्क, जिसमें कुछ फालतू की मलाई वलाई फैट फूड कुछ नहीं होता, देयर इज नो फैट. ऐसे ही हमारा पैसेज है, हमने सारी फालतू चीज़ें छान दे ली हैं, सब हमने निकाल देना है और एक रेलिवेंट वर्ड पकड़ना है जिस वर्ड का मीनिंग हमारे पास है, वो वर्ड जो एक कीवर्ड है. आज हम बात ही कीवर्ड पे कर रहे हैं और कीवर्ड के आसपास ही हम रोटेट होके स्किमिंग एंड स्कैनिंग करेंगे. उसके बाद आप सारे फालतू वर्ड छोड़ दो, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन पर्टिकुलर वन वर्ड और उस वर्ड के साथ आप लिंक एंड लोकेट करो. इट इज आई थिंक आई शुड टेक अ गारंटी कि आपका आंसर गलत नहीं होगा. जब तक आपका मूड नहीं है आंसर गलत करने का, आंसर गलत नहीं होगा. अगर आप चाहते हो कि मैं वो वर्ड को समझता रहूं, बैठा रहूं, सोचता रहूं, उसका मीनिंग ढूंढता रहूं, तो वो आंसर नहीं मिलने वाला आपको. आंसर आपको स्किम एंड स्कैन से मिलेगा, एक स्पीड अप टेक्निक से मिलेगा और वो टेक्निक यही है, फाइंड द कीवर्ड लिंक एंड देन लोकेट इट आउट. इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू. सो द सेकेंड टिप इज अगेन कीवर्ड एंड स्कैनिंग. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द थर्ड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग टिप. This is understanding language. मेरा ये मतलब नहीं है कि लैंग्वेज को पूरा पंजाबी में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में ट्रांसलेट करने बैठ जाओ, नहीं. उसकी एक टोन समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कहना क्या चाह रहा है. यू हैव टू बी एबल टू क्विकली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यू लोकेट. यही तो गलती होती है ना लोकेट में, कि जो लैंग्वेज क्वेश्चन में है क्या हमारा लोकेशन की लैंग्वेज सिमिलर चल रही है. दिस इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंडिंग द लैंग्वेज That relates to the answer. अगर ये टिप फॉलो हो गया तो लिंक एंड लोकेशन की जो प्रॉब्लम है, जो कन्फ्यूजन है और जो आपको लगता है कि मेरी गलती होती है, वो नहीं होने वाली. आप टाइप ऑफ लैंग्वेज देखो, मीनिंग देखो, उसको उसके साथ लोकेट कर दो, लिंक कर दो एंड डायरेक्टली यू विल बी फाइंडिंग द आंसर. इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बिलीव मी इट्स नॉट डिफिकल्ट. तो ओवरऑल ये तीन जो मैंने आज टिप्स किलर रूल्स बताए आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल एक है, दैट इज कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड. कीवर्ड के साथ ही स्किम एंड स्कैन होना है, कीवर्ड के साथ ही सिम्टम्स ढूंढने हैं, कीवर्ड के साथ ही इंस्ट्रक्शंस देखनी है, कीवर्ड के साथ ही लिंक और लोकेट करना है. ये तो हमारे हो गए थ्री रूल्स. अब इनका एक ग्रैंडफादर रूल पता क्या है, वो मैंने मेंशन नहीं किया. ग्रैंडफादर रूल किसका है? मूव ऑन, आगे चलो. आंसर मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया आगे चलो. कैरी ऑन विद द फर्दर क्वेश्चंस, डोंट सिट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द पैसेज. पैसेज का कोई मीनिंग नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल पैसेज, देर इज नो हेड और टेल, सिर पैर है ही नहीं उसका. आपने सिर्फ क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ना है, लिंक करना है, लोकेट करना है, दैट्स इट. जब आप रीडिंग को इतनी कॉम्प्रिहेंड तरीके से करोगे, द स्कोर इज गोइंग टू बी वेरी गुड. आप बेशक मेरे इंस्टा पे जाके देखो और रिजल्ट्स जो हमारे शेयर होते हैं, पोस्ट चेक करो, रीडिंग में बच्चे 8.5 आराम से ले जाते हैं, उनको डिफिकल्टी नहीं आती, बिकॉज यही टिप फॉलो करते हैं. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू इम्प्रूव अ बिट मोर, यू वॉन्ट देर शुड बी सम प्रैक्टिसेस डन विद यू, देन यू कैन बाय द कोर्स. That is a reading course. Reading का एक बहुत अच्छा course निकाला है मैंने, जिसमें worksheets हैं और worksheets होती हैं, category of questions को लिया, उनको explain किया और एक एक category को हमने master किया. जैसे आज हमने 14 questions सिर्फ headings के करने हैं, आज हमने 10 questions सिर्फ yes no not given के करने हैं. जब हम हर category को master करते हैं तो हमारे 40 questions आराम से ठीक हो जाते हैं. You can buy the reading worksheets. Reading worksheets में live classes भी हैं और उसमें आपको test practices भी बहुत दिए हैं,
बहुत सारी वर्कशीट्स डाली हैं मैंने और बहुत सारी रीडिंग्स भी हैं, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा. यू बाय दैट यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ्स और आप उसमें से आराम से कर सकते हो. जो डिफिकल्टी आए क्लास में शेयर कर लो, अदरवाइज आप मेरे को मैसेज कर दो, आई कैन इवन गिव द वीडियोज ऑन दैट. आई होप इट्स क्लियर. स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू.